हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में एंड टू पॉजिटिव फैक्टर्स है, टू पॉजिटिव बात है जो आपको बताने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में, जो कि हो सकता है अभी ब्राइटकॉम ग्रुप और भी ऊपर जाए। आज भी अपर सर्किट में क्लोज हुआ और आज क्या क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में और आगे क्या हो सकता है सब बातें करेंगे। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने आज 2 जैकपॉट शेयर दिए थे, दो गए 5% अपर सर्किट में और एक गया 7% अप। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, जो कि आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में हेल्प करता है। और अगर आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विस लेना होगा, मतलब आपका पोर्टफोलियो आपको मैनेज नहीं करना होगा, आपको टाइम नहीं है या जजमेंट नहीं आता है, तो आप हमारी टीम को आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने को दे सकते हैं। उसके लिए भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज भी अपर सर्किट लगा और आज का अपर सर्किट डायरेक्ट नहीं लगा, क्योंकि आज का लो था 11 रुपीज़ 85 पैसा एंड आज का हाई था 12 रुपीज़ 35 पैसा। आज का डिलीवरी परसेंटेज देखे तो करीब करीब 50% का है, जो कि ठीक ठाक है। जितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है डिलीवरी परसेंटेज, हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि कल करीब करीब 65% का था डिलीवरी परसेंटेज, आज 50% पर आ चुका है। आज NSE पर हुए थे 3,20,00,000 शेयर्स ट्रेड और BSE पे अराउंड 51,00,000 शेयर्स, ऑल टुगेदर अराउंड 3,70,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से करीब करीब 50% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि ठीक ठाक है। आज हालांकि मार्केट में बाद में गिरावट शुरू हो गई थी, तो मन में एक डर था कि बाद में ब्राइटकॉम ग्रुप का भी सर्किट टूट ना जाए और शेयर नीचे ना आ जाए, तो मैं बार बार जाकर चेक कर रहा था। बट फॉर्चुनेटली जब एक बार अपर सर्किट लगा तो स्ट्रांग उसमें बाइंग लगी हुई थी, और जिसके कारण इसमें सर्किट टूटा नहीं आज। यही पॉजिटिव बात है आज के सेशन में। मार्केट जब क्लोज हो गया 3:30 को, तो NSE पर अराउंड 1,38,00,000 शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे और BSE पर अराउंड 25,00,000 शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे। हालांकि एक फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ क्या है आज की ताज़ा खबर, जो कि यह है कि AMO ऑर्डर आज बढ़ चुकी है। 29,00,000 शेयर्स की AMO ऑर्डर लगी हुई है, जो कि कल कम हो गई थी, तो एक मन में डर था। बट आज 29,00,000 शेयर्स की AMO ऑर्डर लगी हुई है बाइंग साइड पर, यह पहली गुड न्यूज़ है कि अभी फिर से बाइंग के लिए लोग तैयार हो रहे हैं और गिरावट का सिलसिला थम गया है, ऐसा लग रहा है। और नंबर टू पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि आज जो एक हर्डल था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था 12 रुपीज़ का, उसको ब्राइटकॉम ग्रुप ने ब्रेक कर दिया है फाइनली। बार बार मैंने हर वीडियो में बताया था कि 12 रुपीज़ को क्रॉस करना ज़रूरी है, और आज 12 रुपीज़ को ब्राइटकॉम ग्रुप ने फाइनली क्रॉस कर दिया। तो एक जो बड़ा हमारे लिए हर्डल था, एक बड़ी जो लक्ष्मण रेखा थी, उसको ब्राइटकॉम ग्रुप ने आज के दिन पार कर दिया, तो भाई कमाल हो गया, धोती फाड़ कर रुमाल हो गया। RSI भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी RSI पहुंच चुका है अराउंड 45 के आसपास, जो कि अभी भी ठीक ठाक है, बहुत ओवरबॉट जोन में नहीं कह सकते हैं, अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। बट अब देखना यह है कि यह पार्टी कहां तक चलती है। जितना ऊपर जा रहा है मन की धड़कनें बढ़ जाती है कि भाई गिर ना जाए। आज भी अगर आप देखोगे तो सेलर्स थे काफ़ी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाहर से थे, डायरेक्ट अपर सर्किट में नहीं गया था। बट थैंक्स टू ऑपरेटर्स ने फिर से इसको धक्का मारा। देखिए फ्रेंड्स, आज 3,70,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए और डिलीवरी हुई है 50%, तो ये 50% कहाँ गए? ऑपरेटर लोगों ने उसको 11.85 रुपये से बाइंग शुरू किया और पहुँचा दिया 12.35 रुपये पर। उसके बाद में हम सब रिटेलर भाई टूट पड़े बाइंग करने के लिए, और बाइंग जैसे ही पैक हो गया अपर सर्किट में, ये लोग बेच कर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, 50 पैसे का प्रॉफिट अगर आप देखोगे 3,70,00,000 का 50%, तो करीब करीब 1.5 से 2.25 करोड़ शेयर्स होते हैं। और आप सोचिए 1 करोड़ के 50 पैसे कितने होते हैं? 50,00,000 रुपये। इसे बोलते हैं कमाई, बिना कोई टेंशन की, बिना कोई हेडेक की होल्डिंग करना नहीं है, धक्का लगाना है शेयर को
और बाइंग कर लेना है कम रेट में और ऊपर जाकर बेच देना है एक ही दिन में इंट्राडे करके लाखों रुपए ऑपरेटर लोग कमा लेते हैं जिनके पास बड़ी क्वांटिटी बड़े बड़े पैमाने पर पैसा होता है जैसे कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए वो लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं जब उनको लगता है कह रहे भाई सेलिंग आ रही है तो चलो बाइंग के ऑर्डर लगा देते हैं बाइंग के ऑर्डर लगा कर इसको धक्का मार देते हैं एक ही दिन में इंट्राडे में 50 पैसे पर शेयर किसी ने 5 लाख का इंट्राडे किया 5 लाख शेयर का किया किसने 10 लाख शेयर का किया तो 5 लाख शेयर करने वाले को भी 2.5 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट एक ही दिन में हो जाता है 10 लाख वाले को 5 लाख का हो जाता है तो इसीलिए डिलीवरी परसेंटेज कम दिखता है क्योंकि जो इंट्राडे करने वाले होते हैं वो डिलीवरी लेते नहीं हैं वो लोग इंट्राडे करके पैसा कमा कर निकल जाते हैं वो सिर्फ ध्यान देते हैं कि भाई शेयर गिर तो नहीं रहा है गिर रहा है तो उसको सपोर्ट दे देते हैं बाइंग शुरू कर देते हैं लोअर रेट में अपर सर्किट पे पहुंचा कर चले जाते हैं बट उनके कारण चलो हमें एक तो फ़ायदा हो रहा है कि लोअर सर्किट नहीं लग रहा है कभी कभी ऑपरेटर लोग फ़ायदा भी कराते हैं नुकसान नहीं कराते ऐसा नहीं है और उनको भी पता है कि 12 रुपीज़ को एक बार क्रॉस किया तो फिर से बुलिश मोमेंटम में इन्वेस्टर लोग आ जाएंगे तो ऊपर जाने के रास्ते खुल जाएंगे बट अब अगला हर्डल क्या है 13 रुपये का है 13 रुपये का हर्डल है उसको क्रॉस किया तो जो ट्रेंड लाइन जो इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके ऊपर जाएगा उसके बाद में का रेजिस्टेंस रहेगा 50 DMA का रेजिस्टेंस 50 डेज मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो है 16 रुपीज़ 55 पैसे पर या 16.5 रुपये समझ के चलिए आप तो 16 रुपये 50 पैसे पर जो इसका एक रेजिस्टेंस है 50 DMA का उसको क्रॉस करके ऊपर गया तो 20 रुपये तक भी जा सकता है देखते हैं कि एक एक हर्डल एक एक लक्ष्मण रेखा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर पार कर रहा है और ये काफ़ी पॉजिटिव बात है और ये पार होना ज़रूरी भी है शेयर का मार्केट कैप बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट कैप बढ़ेगा तो शेयर MSCI इंडेक्स से भी बाहर नहीं होगा ना ही BSE 500 से या मिड कैप 250 के जो इंडेक्स है उसमें से बाहर होगा तो इसीलिए इसके रेट बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के हिसाब से और अभी देखा जाए तो तेज़ी बनी हुई है और एम ऑर्डर लग रहे हैं हालांकि रोज़ सेलिंग आती है तो सबको मौका मिलता है सेलिंग का भी मौका मिलता है और बाइंग का भी मौका मिलता है आज भी सबको बाइंग का मौका मिला जिनको बाय करना था वो कर पाए और जिनको सेल करना था वो भी कर पाए अभी तो गाड़ी हमारी स्मूथ चल रही है अभी जो हमारी पिक्चर चल रही है ये स्वीट रोमांस चल रहा है ना कोई एक्शन है ना कोई ट्रेजेडी है स्वीट जो भी है हैप्पी हैप्पी चल रही है बट इतना ही ज़रूर है कि विलन ना आ जाए कोई और लोअर सर्किट ना लग जाए विलन जो हो सकता है कि न्यूज़ के कारण भी विलन कोई न्यूज़ के रूप ही विलन आ जाए या फिर कोई ऑपरेटर रूपी विलन आ जाए जो अचानक बेचकर निकल जाए और लोअर सर्किट लग जाए तो हम आशा करते हैं कि अभी जो पिक्चर में चल रहा है रोमांस वो रोमांस बना रहे ना कोई विलन आए जो बैड न्यूज़ वाला ना ही विलन आए ऑपरेटर वाले जो उसको गिरा दे और बैटको का शेयर ऊपर ही ऊपर जाते रहे यही आशा हम लोग करते हैं आने वाले दिनों में और एक बात का ध्यान हमें ये भी देखना है कि आज मार्केट में हमें थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिली मार्केट की तेज़ी जो तो चल रही थी थोड़ी सी आज वीक हो गई है अगर मार्केट क्रैश वैश नहीं होना चाहिए क्रैश हो गया तो पैनिक फैल सकता है वो भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ से गाड़ी रिवर्स हो जाए हमारी बट अभी तो ऊपर चल रही है और बहुत ज़्यादा क्रैश तो नहीं हुआ आज मार्केट हालांकि फिर से फ्लैट मार्केट क्लोज हुआ निफ्टी बट आशा करते हैं कि निफ्टी भी ना गिरे जोरदार क्रैश ना हो क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाइंग तो चल रही है उतनी सेलिंग भी हो रही है तो सेलिंग जो लोग कर रहे हैं मतलब कौन कर रहा है जिन लोगों ने नीचे के लेवल से बाय किया हुआ है वो पार्शली या फुल्ली प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे डेली बेचकर क्योंकि सभी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि नॉन स्टॉप ऊपर ही जाएगा प्रॉफिट बुकिंग करने वाले ट्रेडर्स लोग भी रहते हैं तो ट्रेडर्स लोग जो रहते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं तो वो लोग भी बेचते होंगे या कोई लोग ऐसे भी होंगे कि वो सोच रहे होंगे थोड़ा थोड़ा पैसा फ्री करते हैं तो ऐसे लोग भी बेचते हैं तो बिकवाली भी हो रही है बाइंग भी हो रही है दोनों बातें हो रही है लेट्स होप कि कोई बैड न्यूज़ ना आए मार्केट ना गिरे जिसके कारण तेज़ी चलती रहे 13 रुपये को क्रॉस करेगा तो 16 रुपये 50 पैसे को क्रॉस करना ज़रूरी रहेगा तो ये पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए दो ये थी कि एम ऑर्डर अच्छी चली आज लगी हुई है स्ट्रांगली और दूसरी बात जो 12 रुपये का एक बड़ा रेजिस्टेंस था उसको ब्राइटकॉम ग्रुप ने आज पार कर लिया है सो लेट्स होप कि ये तेज़ी आगे भी चलती रहे और कोई न्यूज़ आएगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा बने रहिए सुपर इन्वेस्टर चैनल के साथ थैंक यू फ्रेंड्स